इतने रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखिए स्टंट करने से भी बाज नहीं आ रही है। देखिए पानी में उठाया दोस्तों ने और एक दोस्त दूसरे दोस्त को फेंक दिया, तो पूरा आनंद ले रहे हैं। बरेली और जो कानपुर वाला आनंद है, पूरा आनंद यहाँ पर आ रहा है। अगर आनंद ले सकते हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियों का पूरा पूरा मजा ले सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय हम लोग आ चुके हैं फरुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में, और यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं फरुखाबाद का पहला स्विमिंग पूल, जो कि आम नागरिकों के लिए खुला है। कुछ ही दिन पहले बताया जा रहा है ये स्विमिंग पूल यहाँ पर खुला हुआ है। आज से करीब 2 से 3 महीने हुए हैं। हम आपको अभी लेकर चलेंगे स्विमिंग पूल की तरफ, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं दूर दूर से आ रहे हैं। फतेहगढ़, फरुखाबाद, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो स्विमिंग पूल बनाया गया है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहिए। भैया क्या नाम है? दीपक कुमार। कहाँ से आए हो? जिला फरुखाबाद। कैसे पता लगा था यहाँ पे स्विमिंग पूल बना है? लोग आए हुए हैं वहाँ से, देखा मुझे भी, मैंने भी देखा सबको, तो बोला वहाँ पे खुलेगा तो मैं आया हुआ यहाँ पे। तो कैसा लग रहा, कितना आनंद? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत। कानपुर बरेली में बना हुआ है उस तरीके, उससे अच्छा मजा यहाँ पे है। बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम देसी देसी। कितनी फीस क्या है? 80 रुपए फीस है इसकी जी। तो भैया बता रहे हैं कि 80 रुपए फीस है और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर, और भी लोग हैं, कुछ लोग और हैं हमारे साथ। मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा पूल की तरफ नजर करा दें कि पूल जो है आप देख सकते हैं कि पूल, यही पूल है वो जो जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे। और कैमरे को देखकर ये लोग काफी आक्रोशित हो चुके हैं, तो इनसे बात करने कोशिश करेंगे। क्या बता रहे थे भैया, क्या बता रहे थे? तो गाइस आप यहाँ पर आइए, 80 रुपए की टिकट है और आपको फूल यहाँ पर मजा मिलेगा। आप कहाँ से आए हो? गाइस मैं पतौंजा से हूँ, बिल्कुल पतौंजा झारखंड, फरुखाबाद स्टेट से। जी जी जी। पहली बार कब पता लगा था? पहली बार मेरे को लगभग 5 मंथ पहले पता चला था, तो यहाँ पर मैंने आया तो आज मेरे को बहुत मजा आ रहा है। फुल पैसा वसूल है यहाँ। कानपुर लखनऊ वाला मजा मिल रहा है? बिल्कुल फुल कानपुर लखनऊ वाला। फरुखाबाद में पहला खुला है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल औसम, अपना जिला बिल्कुल तरक्की पे है यार। ऐसे 10-15 खुले तो मजा आ जाए अपने लोगों को। देख रहे हैं जो युवाओं की यहाँ पर संख्या है, काफी खुश है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ। क्या नाम भैया तुम्हारा? हसन। हसन, तो हसन जो बताओ, अपने दोस्तों के साथ आए हो या अकेले आए? दोस्तों के साथ आए। कितने दोस्त आए? 17। 17 दोस्त, बाप रे, क्या बढ़िया था गुरु। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। तो इस समय स्कूल छुट्टियाँ चल रही है। अच्छा, तो कैसे पता लगा था? अरे इधर हम दो तीन बार पहले भी आ चुके। अच्छा, घर पे बता के आए मम्मी पापा मम्मी को कि ऐसे ही अपने आप चले आए? बता के आए। उन्होंने एग्री कर दिया? जाओ। हाँ, कह दिया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, फुल मजा। तो देख सकते हैं जैसा कि स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी पूरा आनंद लेने के लिए आए हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, अगर इसकी बात कर लें और कुछ लोगों से बात और करेंगे जो पूल में है, थोड़ा सा आगे आ जाए हम चाहेंगे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, फुल एंजॉय। कहाँ से आए हो? गुरसाहेबगंज से। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत उत्साह है लोगों के अंदर और बहुत ज्यादा उत्साह है इन लोगों के अंदर। और अगर इसके पानी की गहराई की बात कर लेते हैं किसी से, कितनी के बारे में? अरे इतनी थी गहराई, करीब 5 फुट गहराई है। पानी कैसा है? साफ रहता है? पानी ठंडा है, साफ रहता है? हाँ, पानी साफ रहता है, जाता है? हाँ, बदला जाता है। अच्छा, कितने? 80 रुपए फीस बताइए। हाँ, 80 रुपए फीस है। तो क्या फरुखाबाद में कुछ बताना चाहेंगे? फरुखाबाद एक छोटा सा जिला है, यहाँ पर पहला ये खुला है। हाँ, तो क्या होना चाहिए और भी कुछ इस तरीके की आगाज होने चाहिए? हाँ, होने जरूर होने चाहिए।
हम तो 13 जैकेट से आए हैं। 13 जैकेट कन्नौज, भैया देख सकते हैं कन्नौज से आए। काफी लोग अभी हमें यहाँ पर, कुछ लोग फतेहगढ़ के भी दिखाई पड़ रहे थे, फतेहगढ़ के भी कुछ लोग थे। भैया आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए थे? साथी में गुरसागंज, 13 जैकेट गुरसागंज कन्नौज। हाँ, मतलब कैसे पता कैसे लगा था? सभी लोग बताए कि स्विमिंग पूल है यहाँ पे, तो आए एंजॉयमेंट के लिए। तो काफी यहाँ पर ये लोग जो पूरा आनंद ले पा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये लगी है यहाँ पर कि ये लोग बता रहे हैं कि इसका जो पानी है वो लगातार डेली चेंज होता है, पानी ठंडा है, हम भी ये महसूस कर पा रहे हैं पानी गर्म नहीं है। और बीचों बीच हरियाली के, मैं चाहूँगा थोड़ा दिखा दें, हरियाली के बीच बना हुआ है ये पूरा हरियाली है, और पूरा हरियाली के बीच बना हुआ है, और पूरा जो लुत्फ है ये लोग देखिए, स्टंट करने से भी बाज नहीं आ रही है। देखिए पानी में उठाया दोस्तों ने और एक दोस्त दूसरे दोस्त को फेंक दिया, तो पूरा आनंद ले रहे हैं। बरेली और जो कानपुर वाला आनंद है, पूरा आनंद यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, फरुखाबाद के कमालगंज के आगे यह स्विमिंग पूल जो है वो स्थित है। यहाँ पर आके आप गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियों का पूरा पूरा मजा ले सकते हैं। मात्र 80 रुपये टिकट बताई गई है इसकी, आप 80 रुपये में, 80 रुपये में कितनी देर के लिए बताया गया? 80 रुपये में 1 घंटे के लिए, 80 रुपये में 1 घंटे के लिए यहाँ पर आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार और थोड़ा दिखा दें, काफी अच्छा यहाँ पर बनाया हुआ है ये जो पूल है। तो आप देख रहे थे फरुखाबाद से ये स्पेशल रिपोर्ट, फरुखाबाद में जो कमालगंज में ये स्विमिंग पूल पहला बनाया गया है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी। यहाँ पर अगर आपको आना है तो मैं आपको बता दूँ, फरुखाबाद से जो कानपुर रोड है उस पर सिंगी रामपुर एक जगह पड़ती है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के कतौली पट्टी के पास में ही यह स्थित है। बाहर एक ढाबा है, ढाबे के साथ में ही ये जो पूल है वो स्थित है। 80 रुपये रेट बताया गया, जिसमें 1 घंटे की आप मस्ती आराम से कर सकते हैं। कैमरामैन शिवम शुक्ला के साथ मैं पंकज प्रकाश, पीपीएफ लाइव फरुखाबाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।